हमारा पूरा कब्जा फट गया है, मतलब यहाँ सब कट गया है बहुत बुरी तरीके से। लोग के लिए कोई और ये लाठी डंडा देने वाले चार यादव है, नाम बताइए ना। सर दुलार है, दुर्गादीन है, रामगली गर्जुद्दीन, इतना इतना लाठी प्रशासन को ही सब ने दिए मारने के। एक आदमी एक पुलिसकर्मी को मारने के लिए कितने लोग लगे होंगे? एक पुलिसकर्मी को आप कह रहे हैं ना तो उनको गिरा के पिटने लगे, आप ये बताओ क्या ये कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं? एक मिनट ये उकसावे में उन्होंने कुछ कहा होगा, इन्होंने उसके विरोध में कुछ कर दिया। अच्छा आपने वीडियो नहीं देखी क्या? आपने देखा कैसे? ये भी नहीं पता कि अपराध चाहे पुलिस करे या आम आदमी या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, सबके लिए कानून एक समान है। अगर जिन पुलिस वालों के लगता है कि हमारी माँ बहनों के हाथ पैर तोड़ के, मेरा ऐसा मानना है कि उनको चोट लगी हुई है, उनको फ्रैक्चर है और इन्होंने जबरन साजिश पे तीन तीन चार चार मुकदमे इसलिए किए कि इतना वो जेल से आए उनकी जख्म ठीक हो जाए, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि जब वो बाहर आ जाएंगे तो हम उनका मेडिकल करा के उनकी FIR रजिस्टर कराने का काम करेंगे। और जो पुलिस के लोग चंद माफियाओं के हाथों में खेल के जिन्होंने हमारी बहनों पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए इन्होंने जबरन मुकदमे लगाए कि ये जेल से बाहर ना निकले और इनके समाज को ना पता लगे कि इनकी स्थिति क्या है। इन्होंने जेल भी इनको इसलिए भेजा कि उनके साथ जो अन्याय किया गया वो जनता के सामने ना आए, पब्लिक के सामने ना आए। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस लापरवाह के साथ जो है कठपुतली भी बन गई है और इस कारण वो जो है चंद माफियाओं के हाथों में खेल के हमारे चंद पैसों में हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर पुलिस भी या के SP भी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम 156 दिन में कोर्ट में जाके इन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने हमारी माताओं बहनों पर, क्योंकि वो वीडियो में है, मैंने देखी है वीडियो, उन सारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और अगर यहाँ का प्रशासन सरकार मिलकर इनको बचाने का काम करेगी तो याद रखो कि जिस दिन ये कमजोर लोग जो यहाँ आज हजारों की संख्या में इकट्ठा है इस अपमान का बदला लेने के लिए गांव-गांव निकल के अपने समाज को जागरूक करने लग गए, तो जो पुलिस वाले आज हमारी माताओं बहनों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं कल इनको सलाम ठोकते नजर आएंगे। ये बात भी आप लोकतंत्र में हमेशा याद रखें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, चिल्ला कह रहा हूँ, मुझे बेबस मत करो। अगर तुम मुझे ताकत नहीं दोगे तो ये लोग इस तरह से ही तुम पे अन्याय करेंगे और मुझे न्याय के लिए लड़ने भी नहीं देंगे। आप अगर मुझे ताकत नहीं दोगे तो ये मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर जो है आपके दमन के लिए तैयार रहेंगे, आपको कुचलने काम करेंगे। लेकिन अगर आपने मुझे ताकत दे दी, इन निकम्मे लोगों को नेताओं को छोड़ के आपने अपने भाई को ताकत दी, तो आपको लगता है कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर पाएगा? नहीं। मैं हवाई बात नहीं चाहता, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब मैं यहाँ हूँ तो आपके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार कर सकता क्या? बताओ नहीं। तो बताओ जब मैं ताकत में होगा तो क्या आपकी जमीन कोई कब्जा लेगा? नहीं। कोई अपनी आपकी या मेरी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार कर देगा? नहीं। कोई मेरी माता बहनों पे लाठीचार्ज कर देगा? नहीं। आज जो वो शहरी है उनको उम्मीद है आप लोगों से कि हमारे बच्चे हमारे बेटे हमारे अपने भाई लोग हमें न्याय दिलाएंगे, क्या उनके विश्वास को हम लोग कमजोर कर दें? नहीं। मैं यहाँ के अधिकारियों से बात करूँ लेकिन मुझे सबसे डर आपसे है, पता है? अगर आप सही रास्ते पे चले तो हम ताकतवर होंगे और आपने गलत रास्ता इख्तियार किया तो इस भारत में फड़ले आ जाएगी। और मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता, वरना ये प्रशासन सरकार जानती है कि मेरे एक इशारे पे यहाँ के शासन प्रशासन को धूल चटाने का काम मेरे लोग कर सकते हैं। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, भारतीय संविधान को मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि मैं अभी जब तक माओ बहनों से ना मिलूं, अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, आपकी भीड़ में कोई क्रिमिनल भी खड़ा हो सकता है, कोई प्रशासन शासन का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, कोई पत्थर मार जाए हमारी भीड़ में,